का स्वागत आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए अलावकुंडापुरम लोग का शिपयार्ड फाइट सीन का रिएक्शन। और ये बहुत कमाल की मूवी है, आपको इसे सीन्स देख के पता लगे होगा। और साथ में इसकी जो टीवी प्रीमियर हुए हैं तो उसने भी बहुत कमाल के रिकॉर्ड्स बनाए, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और वैसे इसके तो अभी जितनी बार रिपीट प्रीमियर्स भी हो रहे हैं तो वो भी लोग बिल्कुल चढ़ चढ़ के देख रहे हैं। और मूवी भी ऐसी है ही, इतने मज़ा आ रहा है, एक एक सीन इतने ताकतवर सीन है। आपने लास्ट सीन देखा था हॉस्पिटल सीन, एंड वो बहुत कमाल का सीन था, वो बहुत डीप सीन था। उसमें बहुत हमें अलग अलग रूप देखने को मिलता है, अल्लू अर्जुन के एक इमोशनल रूप देखने को मिलता था। और किस तरीके से फिर वो लास्ट में थोड़ा सा खुश हो गए थे और कहीं ना कहीं उन्होंने माफ़ कर दिया था अपने पूरा, मतलब सौतेले बाप को आप कह सकते हो कहीं ना कहीं, तो उनको माफ़ कर दिया था। और वहीं अगर देखा जाए तो ये बाकी सारे सीन देखो तो उसमें फाइट बहुत कमाल की रही, इंट्रो फाइट बहुत कमाल की रही थी। और अब यहाँ देखते हैं, ये बोल रहे शिपयार्ड फाइट सीन है, तो शिपयार्ड पे कैसी फाइट होती है वो देखने में अलग ही मजा आएगा। यस, बहुत ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज अल्लू अर्जुन के वैसे भी काफी हमने फाइट सीन्स देखे हुए हैं, एंड ये मूवी के तो हमने काफी सारे सीन्स देख लिए हैं। एंड हर सीन में इनकी एक्टिंग इतनी जोरदार रही है ना, मतलब चाहे वो इमोशनल सीन रहा हो या फिर कॉमेडी हो या फिर अब फाइट देखने वाले। वैसे फाइट सीन हमने वैसे भी एक और देखा था, मतलब थोड़ी सी फाइट था उसमें, बट काफी मजा आया था। एंड मैं हर बार बोलती हूँ ना, और ये मूवी के सीन्स देख के तो मुझे लिटरली लगता है कि कोई भी सीन हो ना, अल्लू अर्जुन नेल्ड इट एवरी टाइम। सो बहुत मजा आएगा ये देखने में। वही उनके एक्सप्रेशन से लेकर उनका स्टाइल से लेकर उनकी मास अपील, हर चीज़ बहुत कमाल की रही है इस पूरे सीन के अंदर। और बहुत एकदम इजी फ्लो में पूरे सारे सीन्स किए हैं, तो ये बात देखने में और मजा आएगा। देखते हैं स्टाइलिश फाइट होती है कि ये पूरी एकदम रोग फाइट होती है, तो बहुत मजा आएगी देखने में। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। बहुत बड़ा शिपयार्ड, सच में काफी मजेदार फाइट होने वाली है। हाँ, आठ आ चुकी है। ये क्या, ఆయన కంపెనీలో షేర్లు కావాలి, ఆయన బోర్డులో ప్లేస్ కావాలి, కుదిరితే ఆయన కుర్చీ కూడా కావాలి, ఆయన ఎవరో తేలదు. ద ఫౌండర్ ఏఆర్కే. నిన్నే వాడు లోపల అనిచ్చాడు. అంత ఈజీగా ఎక్కడ రానిచ్చారు? రాజమండ్రి వరకు ఫ్లైట్ లో వచ్చాం, కాకినాడ వరకు కారులో వచ్చాం, ఇక్కడికి వచ్చాక అబ్బే ఇబ్బంది పడ్డాం. అది కాదండి, అంత కష్టపడి ఇంత దూరం వచ్చి సేమ్ ఫీలింగ్. ఆ చేతి ముద్ర ఎవడిది, ప్రతి ఏడాది 25 crore బిజినెస్ ఇస్తున్నాను నేను. ఇస్తే లోపలికి వెళ్ళాలి. సేపు తింటే అర్థం కావట్లేదురా ముసల్న కొడక. My God. मतलब हाथ लगाते ही उनका रनिंग बता दी स्लो मोशन में. और ये काइंड ऑफ वैसा हो गया, ये पहले हो चुका है, पर अब वो वापिस से वही करना चाह रहे हैं. जोरदार, वो आदमी को ढूंढ रहे हैं. ఎవడ్రా చేసింది, ఎవడ్రాను మా పోట్లకు వచ్చి గొడవా. పెద్ద ఆయన మీద చేసింది ఎవడ్రా, నువ్వా 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 చెప్పు, నువ్వా నువ్వే పెద్ద చేసింది నేను కదా. సీదా మనా కర్దే, మస్త్ ఇరాకే ఉడా రే మేదే
ముసలోడు ఏమేమి పడ్డాయో తీరా సారా స్టఫ్ ఉఠాకే తేరే ఉస్కు क्या स्टाइल है, क्या एटीट्यूड है। स्टाइलिश। ये अल्लू अर्जुन के अलावा कोई नहीं कर सकता। इलाची टी सर मी कोसम स्पेशल उड़कलो निकालो सर चलला कुंटदे एवडो सर తోసింది ఎవడు అయ్యా బాబోయ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఎవడు ఎవడని ప్రతి వాడిని అడుగుతున్నారు పెద్ద ఆయన ఏమన్నా పహిర్వానని పది మందికి తోయడానికి తోసింది ఒకడు వాడిని మీరు క్రీస్తుపరమే కొట్టారు కావాలంటే చూడండి సార్ కప్కా మార్ దియే తు బాక్యో తు మార్ మీ సార్ ఎక్కడ ఎవరైనా అరిస్తే వస్తారు మీరు ఎవరికైనా అరిచే టైం ఇస్తే కదా అసలు ఎంతకంటే క్లారిటీగా ఎవడు చెప్పలేడు పెద్ద ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే మీ నాన్న వచ్చి పొడిచాడు ఎవిడెన్స్ లేదు కేసు వీగ్గా ఉంది నేను వచ్చి కొట్టే ఎవిడెన్స్ ఉండదు ఈ కేసు వీగ్గానే తయారు చేస్తుంది సో ఈ టిట్ ఫర్ టాట్లు వద్దు ఏదైనా ఉంటే టేబుల్కి అవతల పక్క యువతల పక్కన కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం కానీ నాలాగే టేబుల్కి గొడవ పడకూడదని పెద్ద ఆయన ఒపీనియన్ ఏమంటారు ఏంటి అలా చూస్తున్నారు లేండి ఇందాక అలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చేసారు ఇప్పుడేంటి పాతుకుపోతున్నారు ఫ్లైట్ టైం అయిపోతుంది రండి బ్రదర్ను అడగాల్సింది ఏమైనా ఉందా ఓహో ఏడిసినట్టే ఉంది అక్కడ మన యువరాజుకి మాట్లాడటం రాదు ఇక్కడ ఈ యువరాజుకి మాట్లాడటానికి ఏం లేదు ఇద్దరు ఇద్దరే సైలెంట్ మూవీ సూపర్ స్టార్స్ నీళ్ళలో ఉండాల్సిన పడవ నేల మీద ఉంది ఏంటంటే కారాది అద్దెలుస్తుంది పేరేంటా అని ఏంటి సార్ ఇది రాజమౌళి సినిమా పేరులో ఉంది రోల్స్ రాయ్స్ కొడుకు బాగుంది దీన్ని ఎండకి వానకి వాడేవాళ్ళు చూశాను కానీ దేనికి పడితే దానికి వాడేవాళ్ళు కలవటం ఇదే ఫస్ట్ టైం నాకు ఇలాగా ఆర్టిస్టిక్ గా తిప్పడం రాదు ఆడది దగ్గర నింపేడువే మీరు ఇప్పుడే కార్ దిగారు నేను ఇప్పుడే క్యారెక్టర్ ఎక్కా సిగ్గుపడకర్లా కలుద్దాం నైస్ మీటింగ్ రండి ఫ్లైట్ టైం అవుతుంది కానీ ఏ మాట కా మాట కార్ అద్దరిందండి మన పొట్టుకొచ్చి నీకే వార్నింగ్ ఇస్తాడేంటి చెప్పేస్తానండి వార్నింగ్ ఇచ్చిన సేత్తూనే వాళ్ళ కంపెనీ సేర్లు కూడా చెత్తర్లేరా ఇవ్వకుండా ఎక్కడ పోతారు వెళ్ళు వెళ్ళు काफी जोरदार सीन था मुझे इससे अच्छा आई गेस मैंने फाइट सीन आई डोंट नो देखा है कि नहीं वैसे साउथ इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छे फाइट सीन बनते हैं मैंने ये बात नोटिस की है एंड जो फाइट थी मतलब उन्हें गिर के उठाना एंड उनके ऊपर ही वो भी गिर के उठ रहे थे वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था एंड स्लो मोशन का ऑफकोर्स ये लोग बहुत अच्छा यूज करते हैं बहुत ही जोरदार फाइट सीन था एंड यू नो बीच में अल्लू अर्जुन ने एक बार किया था ओहो मतलब उनके वो जो स्वैग था वो मुझे काफी अच्छा लगा एंड देन जब लास्ट में एक रोल्स रॉयस में जिनकी एंट्री हुई तो उनके साथ भी उन्होंने एकदम कैरेक्टर चेंज करके बात की मतलब वो अपना फेस एक्सप्रेशन चेंज कर रहे थे तो अल्लू अर्जुन भी कर रहे थे एंड जो कन्वर्सेशन की एंड बीच में जो विलन के साथ कन्वर्सेशन की बहुत आउटस्टैंडिंग सीन लगा मुझे वही और जो स्लो मोशन था तो वो तो हमने हर कहीं देखा ही हुआ फाइट सीन में लेकिन यहाँ पे स्लो मोशन बहुत क्रिएटिवली यूज किया गया था भाई जो तू बता रही गिरा के उठाने वाला और वैसे वाला और ये वाला जो सीन है ये मेरे ख्याल से लीड अप सीन है जिस तरीके से जो पहले हमने वो एक सीन देखा था जिसमें वो वार्निंग देता है जाके और जब वो नो नहीं बोल पाते हैं अपने ऑफर्स को तो वो जो अंदर ऑफिस वाला है वही वाला सीन है क्योंकि उसी के अंदर वो एक यही बात कर रहे थे कि हमें कोर्ट में तुम्हारे साथ भागीदार बना लो कर लो ये सब कर लो और तब ये मना कर रहे थे तो वहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी और उसके बाद यहाँ पे अल्लू अर्जुन आए हैं वो फाइट करने के लिए और वो बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ लड़ाई का तो वही वो कह रहे थे कि तुमने भी हम ये कुछ किया हमारे साथ और तुम्हें लगा कि कुछ सबूत नहीं मिलेगा और वैसे ही हम तुम्हारे साथ कुछ करके जा रहे हैं तुम्हें भी सबूत नहीं मिलेगा इस चीज़ का तो वैसे बहुत करारा अटैक दिया था यहाँ पे यस एक तो फाइट भी थी एंड साथ साथ कॉमेडी भी थी मतलब पता है जो वर्कर्स थे वहां पे शिपयार्ड में वहां पे जो वर्कर्स थे वो
जो जिन ओल्ड मैन के हाथ लगा दिया था उनके बाद में सेवा करने लग गए, मतलब उनका वो जो लग गया था दाग वो साफ करने लग गए, देन उन्हें चाय पूछ रहे थे, एंड यहाँ पे अलग ही उनकी फाइट चलती है। बाद में पता लगा कि जिसने एक्चुअली में उन्हें पुश किया था ऐसे हाथ से एंड धक्का दिया था, उन्हें तो पहले ही मार चुके हैं। सो वो भी काफी एक अच्छा सीन लगा, ओवरऑल बहुत फैंटास्टिक सीन था वही। और साथ में वो लास्ट में जिस तरीके को कहना कि भाई रोल्स रॉयस आरा लिखा हुआ था, हाँ, तो वो बोले कि ये तो राजमौली सर की फिल्म लगती है, तो उनकी फिल्म का नाम आरा आ रहा है, हाँ, तो वही वो साथ में थोड़ा प्रमोशन भी हो गया, वो सही भी हो गया, बहुत मस्त लगा। एक बहुत फनी वे में, एक बहुत स्टाइल, मतलब ये जो स्टाइल है ना ये अल्लू अर्जुन से ही मिल सकता है, लाइक ये उनका ट्रेडमार्क है इसके ऊपर, जिस तरीके से मतलब मजे से मार के जाना और वही सीन में फाइट भी क्लासिक क्लासिक फाइट दिखाना और वहीं साथ में एक अच्छा कॉमेडी करके जाना, इसे अल्लू अर्जुन ही कर सकते हैं। तो आपको ये सीन कैसा लगा आप एक कमेंट में जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।